नमस्कार, मैं हूं मनन गोस्वामी। आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। भारत के एक्शन के डर से पहले ही ठिकाना बदल चुका था मसूद अजहर। पुलवामा के में जवानों के शहादत का बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है। सूत्रों के मुताबिक एक दर्जन मिराज विमान ने पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में घुसकर जैसे मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर लगभग 1000 किलो विस्फोटक गिराए हैं। सूत्रों के अनुसार वायुसेना ने करीब 12 मिराज 2000 विमानों को इस्तेमाल करते हुए पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया है। खबर यह भी आ रही है कि जैश के कई प्रमुख सरगना भारत के ऐसे हमलों का पहले से अंदाजा लगा चुके थे और उन्होंने अपने ठिकाने बदल लिए हैं। मसूद अजहर ने भी ठिकाना बदला है। खुफिया सूत्रों के अनुसार इस हमले की आशंका जैश के आकाओं को पहले से ही थी, इसलिए उसके कई प्रमुख आतंकी आका सुरक्षित ठिकानों पर चले गए हैं। जैसे मोहम्मद के मुखिया मौलाना मसूद अजहर का भाई भी शायद पंजाब के अपने ठिकानों से कहीं और चला गया है। सूत्रों के अनुसार मौलाना मसूद अजहर की खुद बहावलपुर के जैसे कैंप से कहीं और चला गया है। भारतीय वायुसेना ने करीब 1000 विस्फोटक का इस्तेमाल किया है। इसका इस्तेमाल आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए किया गया है। सबसे पहले पाकिस्तान की सेना ने स्वीकार किया है कि भारतीय विमान ने उनकी सीमा में घुसकर विस्फोटक गिराए हैं। मंगलवार तड़के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट कर लिखा, वायुसेना ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई की, भारतीय सेना वापस चले गए। गफूर की तरफ से इस दावे के साथ ट्वीट किए गए हैं। जैसे जैसे खबर अपडेट की जाएगी वैसे वैसे मैं लेकर आपके पास आता रहूंगा। सूत्रों के अनुसार भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को सुबह 3:30 बजे जबरदस्त कार्रवाई की है। भारतीय एयरफोर्स के कई विमानों से तड़के एलओसी पार कर पीओके में बड़ी कार्रवाई की गई है। जैसे जैसे खबर मिलेगी आपको हर खबर से आपको अपडेट कराता रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। पाकिस्तान पे जो हमला हुआ है, भारत की तरफ से वायुसेना ने जो हमला किया है आतंकी संगठनों को, उसका ये खुशियाँ बांटी जा रही है। पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, तिरंगे को लड़ाया जा रहा है।